गुड मॉर्निंग. टुडे विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. लेट अस सपोज अ वेक्टर इज गिवन टू अस एंड इट इज 2i cap plus 3j cap plus k cap. B वेक्टर इज गिवन एंड दैट इज i cap minus j cap plus 2k cap. Now I told you the method कि just put down the first write down i, j and k. Coefficients 2, 3, 1, 1, minus 1 और ये 2, okay? Now, क्या लिखना हमें पहले i cap और उसके coefficients. जैसे लिखेंगे i cap को cover करो, 3 to जा 6, minus, कितना आएगा? Minus 1, minus minus, plus हो गया, minus, किसका coefficient? j cap को cover करो, 2 to जा 4, minus 1, plus, किसके coefficient? k cap का. माइनस टू, फिर से सब्ट्रैक्ट करो माइनस थ्री. क्या आंसर आ गया हमारा? 7 आई कैप माइनस के 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, वैसे जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि शो दैट प्रूव दैट कि ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स. कोई भी ए और बी की वैल्यू दी, मैं आपको देती हूँ, आप सोल्व करना इसको. ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k. प्रूव दैट a एंड b आर पैरेलल. इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए. जी जीरो आ गई तो ये कैसे प्रूव हो जाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. कोई भी दो वेक्टर हैं, उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करती है. लेट अस प्रूव इट. सपोज करो टू वेक्टर्स हमारे पास ए और ये क्या है हमारा बी, और ये उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा. ओके, नाउ यदि थीटा इनके बीच का एंगल है, जस्ट ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हेयर. यदि हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये थीटा एंगल, तो ये परपेंडिकुलर है, कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा. ये आपका क्या है? डायगोनल. और ये साइन पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई हमारी. हो गई ना? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाफ. पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस, ये जो भी है ये बेस, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एरिया एक ट्राइंगल कितना होगा? हाफ. ये दो ट्राइंगल्स बन रही है ना, तो इनके अकॉर्डिंग हम एरिया निकालते हैं ना इस ट्राइंगल का. सिंपल लिखो, इसे खोलो. क्या हुआ हमारा? ये ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर. यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, यू कैन सी हियर. कोई भी दो ट्राइंगल यहाँ से हम देखते हैं, ओ पी क्यू आर. एक ट्राइंगल तो ये है हमारी, दिस ट्राइंगल इज ओ पी क्यू. एक ट्राइंगल तो कौन सी हो गई? ओ पी क्यू. एक कौन सी हो गई? ओ क्यू आर. टू ट्राइंगल्स हैं, दोनों का एरिया कैसा है? उनका सेम है. हरे का कितना ट्राइंगल? हाफ ऑफ A क्रॉस B, हाफ ऑफ A क्रॉस B. तो टोटल कितना हो गया? ऐसी एक टर्म लिख दो, हाफ ऑफ A क्रॉस B एरिया ऑफ द कंटेंड. तो क्या आ गया? ये A क्रॉस B आ गया, और ये किसके बराबर होगा? ए बी साइन थीटा के बराबर हो गया. दैट मीन्स ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट, यदि वो वेक्टर पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट इस पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करती है. ओके, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम? डायगोनल की टर्म्स में भी एरिया लिख सकते हैं. डायगोनल की टर्म्स में कैसे एरिया लिखेंगे पैरेललोग्राम का? लिख सकते हैं हम इसको डायगोनल की भी फॉर्म में, बट आपके सिलेबस में है नहीं, इतना ही कर लीजिए आप कि क्या हो गया हमारा? दो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यदि दो वेक्टर वो दोनों पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों की उस पैरेललोग्राम का क्या कहलाएगा? एरिया. नाउ वी स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू वेक्टर, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. मतलब इस जो टॉपिक है हमारा लास्ट, वो है वेक्टर्स का रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर वी स्टडी अबाउट द मोशन इन ए प्लेन.